अखनूर में छिपे देश के दुश्मन, आतंकियों की तलाश में जुटी सेना, सेना और एसओजी का सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में घुसे दहशतगर्द किसी बड़े हमले की फिराक में लगे हुए हैं। लगातार ये दहशतगर्द भारतीय सेना को निशाना बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। न सिर्फ हमला करने की ये साजिश रच रहे हैं, बल्कि दहशतगर्द जम्मू कश्मीर की शांति को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के इशारों में, क्योंकि ये दहशतगर्द पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर ही ये सब कुछ कर रहे हैं। और भारत में ये लोग घुसकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय सेना इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और लगातार दहशतगर्दों का खात्मा भी कर रही है। हाल ही में कठुआ में हुआ आतंकी हमला, जिसमें भारतीय सेना ने अपने 5 जवानों को खो दिया। इन जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय सेना अब लगातार न सिर्फ सर्च ऑपरेशन चला रही है, बल्कि जंगलों में छिपे बैठे दहशतगर्दों की तलाश के लिए रात दिन एक कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच अखनूर में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलते ही सेना एक बार फिर बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है, बल्कि सेना ने मोर्चा भी संभाल लिया है। दरअसल जिला जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र के अखनूर सेक्टर में चिनाब नदी के पास गुड़ा पाटन गांव में आतंकियों के देखे जाने के बाद शुक्रवार को पुलिस और सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। यहां बिगड़े मौसम के बीच पुलिस और सेना की टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। सड़कों, जंगलों और पहाड़ों पर सेना के जवानों की तैनाती है, ताकि दहशतगर्दों को ढूंढ निकाला जा सके और उन्हें मिट्टी में मिलाया जा सके। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने आतंकियों को देख लिया और फिर इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी, और फिर पुलिस ने इस सूचना को सेना को दिया, जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों ही एक्शन मोड में आ गए। एक तरफ जहां उस पूरे इलाके को सेना ने घेर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर पुलिस और सेना संयुक्त चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं जिन लोगों ने उन दहशतगर्दों को देखा और पुलिस को सूचना दी, उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनके मुताबिक पहले संदिग्ध आतंकी जो थे, उन्होंने उनसे पानी मांगा और फिर तुरंत वहां से भाग भी निकले। सुनिए स्थानीय निवासी ने क्या कुछ कहा और किस तरह का खुलासा किया। बोलता कि 3 बंदे आए हैं मेरे से पानी मांग रहे, ते ये बोलता, मैं बोला कि लाइट बंद है, मैं टॉर्च लेके आता हूँ तो फिर पानी लाता हूँ। इतने में वो भाग गए। बोलता वो यूनिफॉर्म में थे, पता नहीं कहाँ चले गए। आगे पीर बाबा का जगह है, इधर चौक है, पास में टेंट भी है हमारे। बस इतनी बात हुई मेरी। इसके बाद मैंने SHO कान्हा को फोन किया, मैं सर ऐसी बात है। फिर मैंने इसका रवि कुमार का नंबर भी दिया, फिर आर्मी वालों को फोन किया, इधर इंटेलिजेंस है, वो भी आ गए, सभी आ गए रात को। बस यही बात है। उसके बाद आपने क्या किया, गांव वालों को बोला, लोगों को थोड़ा? गांव वाले तो सभी दहशत में है। ये अभी हमारा फसल का सीजन है, जैसे हम लगा रहे हैं मुंजी लगा रहे हैं, रात को पानी लगाते हैं लोग, अभी डर के मारे रात को काम ही आएंगे। कितने लोग थे? तीन ही लोग थे। फिलहाल इस पूरे इलाके को सेना ने घेर लिया है। दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन क्लीन चला चुकी सेना इन दहशतगर्दों को अब छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये लोग हमारे देश में घुसकर हमारे ही अपनों को मार रहे हैं और सेना के जवानों को ये अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब सेना भी इन लोगों को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और ऑपरेशन क्लीन के तहत इनको भी क्लीन किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।